अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्मोकी ग्लिटरी आई मेकअप लुक, जो कि हम क्रिएट करेंगे ब्लैक नहीं बल्कि ब्राउन शेड के ग्लिटर के साथ। बहुत ही इजी है। चलते हैं अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करने की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हंडिया बेस, जिसको हम अपने फुल फेस पे टैप टैप करके फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, लगा देंगे। और उसके बाद जी आपने करना ये है कि जब इसको फुल अपने फेस पे फैला लें तो उसके ऊपर आपने पेन केक अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने अपनी आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था हंडिया बेस पे पेन केक अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद लूज़ पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर लेना है। और हमने जी हुदा ब्यूटी की पैलेट लेके उसमें से ये ब्राउन कलर लेके उसे अपनी अपर क्रीज पे अप्लाई करते हुए सेम यही कलर हमने अपने इनर कॉर्नर की तरफ भी अप्लाई करना है। आपने मेरे नेल्स को इग्नोर करना है, क्योंकि जब मैंने हंडिया बेस अप्लाई की थी और उस पर पेन केक अप्लाई करने का तरीका बताया था तो स्पंज पकड़ने की वजह से नेल्स काफ़ी ज़्यादा वाइट और गंदे से हो गए हैं। उसके बाद जी सेम इसी पैलेट में से हमने हाईलाइट कलर गोल्ड कलर लेके उसे अपने ब्रो बोन और इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लिया है और अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद जी हमने वही सेम फ्लफी ब्रश लेके उससे दोबारा से अपने क्रीज पे अप्लाई किया है। उसके बाद जी सेम हुदा ब्यूटी की पैलेट में से हमने डार्क ब्राउन कलर लेके इस तरीके से अपनी क्रीज पे रहते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। और उसके बाद जी मैंने स्मॉल, पहले मैंने काफ़ी बड़ा ब्रश ले लिया था, उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा स्मॉल ब्रश लिया और उसे थोड़ा सा वेट करके मैंने ये कलर अप्लाई किया है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाती है कलर की। अच्छे से जी कलर अप्लाई करने के बाद हमने स्मॉल सा फ्लफी ब्रश लेके उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। और उसके बाद जी हमने रोमांटिक कलर आई शेडो पैलेट में से ये ब्लैक कलर लेके उससे जी अपनी क्रीज पे एक लाइन ड्रॉ किया ब्लैक कलर की। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद जी हमने इसको भी हल्के से इसी ब्रश की हेल्प से हमने ब्लेंड कर दिए हैं। और आपने इस आई लुक में आपने ब्लेंडिंग का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अपनी इस आई लुक में सिर्फ एक बात यानी कि थोड़ी सी लगी, क्योंकि मेरी जो ये टेप थी वो कुछ ज़्यादा यानी कि स्टिकी नहीं थी। उसके बाद ये इसी रोमांटिक कलर आई शेडो पैलेट में से ये डार्क मेहरून कलर लेके मैंने ये अपनी फुल लिड पे अप्लाई किया है। उसके बाद ये सेम इसी पैलेट में से हल्का सा ब्लैक कलर भी लेके मैं इस पर अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद ये हमने एक छोटू सा ब्रश लेना है और उसकी हेल्प से इन सबको अच्छे से मर्ज कर देना है, ब्लेंड कर देना है, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। उसके बाद ये ब्लैक कलर लेके मैंने वापस अपनी लिड पे अप्लाई किया है और मिस रोज़ के इस ग्लिटर पैलेट में से ये मैंने जी ब्राउन सा ग्लिटर लेके उसे अपनी फुल आई लिड पर अप्लाई कर दिया है इस तरीके से टैप टैप करके। इस ग्लिटर को अप्लाई करने के लिए कोई भी ग्लू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपकी आईज़ पे आराम से लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जी हमने ये अच्छे से ग्लिटर अप्लाई करने के बाद जी टेप रिमूव करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक आ गई है आईज़ की। टेप रिमूव करने के बाद जी हमने मस्कारा अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर पॉप का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड आपने आई मेकअप करते हुए आपने ये नहीं रखना ध्यान में कि जो उन्होंने यूज़ किया वही हम यूज़ करें। जो आपके पास कलर अवेलेबल है आप कलर से खेलना सीखें। अगर मैंने ब्राउन किया है तो आप यहाँ पे येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। जस्ट आपने इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कोई भी कलर है और आपने उसके साथ खेलना है और अपनी आई लुक क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा हंडिया बेस लेके उससे अपने यानी कि डार्कर एरिया को क्लीन किया और जो शेड वगैरह मैसी होगी तो उसको क्लीन करने के बाद 3XL की पेंसिल है जो आईज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, 2-in-1 है, उसको अच्छे से ब्राउन पेंसिल को अपने आईज़ के अंदर अप्लाई कर लिया है। आईलैशेस मैंने अप्लाई कर लिया। आईलैशेस के लिए मैंने यूज़ किया मारिया ब्यूटी की आईलैशेस ग्लू और मैंने यूज़ किया BH स्टूडियो प्रो की 3D मिल्की आईलैशेस। आईलैशेस अप्लाई करते ही हमारी आई की लुक हो जाती है कम्प्लीट। इस आई लुक में हमने आईलाइनर अप्लाई नहीं किया। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल की अच्छे से समझ आ गई होगी। और कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और जी मैंने आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करनी थी, वो ये कि मैं हर 15 दिन के बाद अपने चैनल पे गिव अवे अनाउंस करूँगी, गिव अवे किया करूँगी। तो जल्दी जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गिव अवे का हिस्सा बन सके। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी तमाम प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी जो कि मैं गिव अवे में आप लोगों को दिया करूँगी। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो रूल्स मैं आपको इंशाल्लाह तब समझाऊंगी जब मैं आपको तमाम प्रोडक्ट अपनी किसी भी वीडियो में दिखा दूंगी। तो इसी के साथ अब आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।